मेरा नाम है मनीष शर्मा और बच्चों आज की वीडियोस में हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और करने वाले हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन की लिस्ट और बनाई है बच्चों मैंने, ये सभी आपके 3.1 और 3.2 क्वेश्चंस हैं, तो इनको आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये जो आपकी मैट्रिक्स है बच्चों ये भी 2x2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी आपकी 2x2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स है। बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी तो उनकी ऑर्डर भी सेम होना कंपलसरी है। तो चेक कर लीजिए आप, यहाँ पर भी 2x2 का ऑर्डर है और यहाँ भी 2x2 का ऑर्डर। तो ऐसे में इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे ये आपस में बराबर होते हैं बच्चों। तो जैसे कि आप देखिए कि जो आपका ए माइनस बी है ये आपका माइनस वन के इक्वल होगा, जो ये आपका ए माइनस बी है बच्चों ये आपका माइनस वन के इक्वल। सेम उसी तरीके से जो बच्चों आपका ये 2a-b है ये आपका 0 के इक्वल है, जो आपका ये 2a-b है ये आपका 0 के इक्वल है। सपोज कर लीजिए बच्चों ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी नंबर के साइन चेंज कर दीजिए। तो बच्चों बी से भी कैंसिल हो गया, जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपकी माइनस ए वैल्यू आएगी और ये माइनस वन बन गया, इट मींस ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों आपकी 1। अब इस ए की वैल्यू 1 को आप इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर दो, जो आपकी ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 है। तो जब आप यहाँ पर इस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 में जब आप वैल्यू पुट करोगे बच्चों तो समथिंग कुछ वैल्यू आपकी आएगी बच्चों, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, क्योंकि बच्चों नेगेटिव साइन से नेगेटिव कैंसिल कर दीजिए, बी की वैल्यू 2 आ गई। तो बच्चों इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने a और b की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब आप यहां पर देखिए कि जो ये 2a + c एलिमेंट है ये आपका 5 के इक्वल है। एलिमेंट क्या है बच्चों आपका 2a + c, ये बच्चों आपका किसके इक्वल है 5 के। तो एक काम करिए आप a की वैल्यू 1 यहां पर पुट कर दीजिए तो आपको यहां पर c की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों यहां पर c की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3। सेम उसी तरीके से बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो 3c plus d जो एलिमेंट है ये 13 के इक्वल है, 3c plus d आपका 13 के इक्वल है। तो बच्चों यहां पर c की वैल्यू 3 आप यहां पर पुट कर दीजिए तो 3 × 3 + d = 13। तो बच्चों सॉल्व करने पर d की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 4। तो आप ध्यान देंगे कि a की वैल्यू 1 आ गई है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 4 है। तो बच्चों यही आपका आंसर। अगर बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे तो बच्चों आपको यहाँ पर मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है 2x3, 1, 5x3, 1x3, 2x3, 4x3, 7x3, 2 और 2x3। उसी तरीके से बच्चों आपको मैट्रिक्स बी की वैल्यू भी गिवन है। तो बच्चों आपको 3a-5b की वैल्यू को फाइंड करना है, मतलब कि मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करिए और मैट्रिक्स बी को 5 से मल्टीप्लाई करिए और दोनों को आपस में लेस कर दीजिए। तो बच्चों हम ए की जगह पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए की वैल्यू को पुट कर लोगे आप। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है आपकी 2/3, 1 और 5/3। ये वैल्यू क्या है बच्चों आपकी 1/3, फिर है बच्चों 2/3 और 4/3। ये है क्या बच्चों आपका 7/3, 2 और आपका 2/3। सेम इसी तरीके से बच्चों ये है आपका 5b। तो बच्चों b की जगह पर आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स b की वैल्यू पुट कर दो। मैट्रिक्स b की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी 2/5, फिर है बच्चों आपका 3/5 और 1, फिर है बच्चों आपका 1/5, फिर है आपका बच्चों 2/5 और 4/5। अगर थर्ड रो की बात की जाएगी बच्चों तो ये है आपका 7/5, 6/5 और 2/5। तो बच्चों ये आपकी हो गई है मैट्रिक्स b। अब जब बच्चों 3 की आपको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करनी है तो आप सभी एलिमेंट की 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो समथिंग कुछ वैल्यू ऐसे बन जाएगी आपकी 2, 1, 5, 1, 2, 4, 7, 3, 2 = 6 होता है और ये आपका 2 बन जाएगा। ऐसे जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6 और 2। अब मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों दोनों मैट्रिक्स जो हैं आपकी ये सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई हैं। तो अब यहां पर क्या करेंगे आप, इन सभी के क्या करेंगे बच्चों, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि 2 में से 2 को लेस करोगे वैल्यू 0 आएगी, 1 में से 3 लेस करोगे तो वैल्यू -2 आएगी, 5 में से 5 लेस करोगे तो वैल्यू 0 आएगी,
इसी तरीके से बच्चों का आप ध्यान दोगे तो सारे के सारे एलिमेंट जीरो आ गए बच्चों, तो यही आपका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस सिंपल से आपको मल्टीप्लाई करनी थी बच्चों यहाँ पे। इसी तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोस थीटा की मल्टीप्लाई करनी है इस मैट्रिक्स के साथ और साइन थीटा की मल्टीप्लाई करनी है इस मैट्रिक्स के साथ। तो बच्चों कोस इनटू में कोस क्या बनेगा बच्चों आपका, कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे बच्चों कोस इनटू में साइन क्या बनेगा बच्चों आपका, साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे बच्चों कोस इनटू में माइनस साइन क्या बनेगा बच्चों आपका, माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे बच्चों कोस की कोस से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, कोस स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरीके से बच्चों आप यहां पर जब साइन की साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बनेगी साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू बनेगी बच्चों क्या आपकी, माइनस साइन थीटा कोस थीटा। जब साइन की कोस से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू बनेगी साइन थीटा कोस थीटा, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को बच्चों हमें आपस में ऐड करना है, तो इनके सभी के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को बच्चों आप ऐड कर देंगे। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा बच्चों आपका, वन। साइन थीटा कोस थीटा में ऐड करोगे क्या बच्चों, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो वैल्यू बनेगी जीरो। जब आप बच्चों यहां पर माइनस साइन थीटा कोस थीटा में साइन कोस को ऐड करोगे तो बच्चों ये वैल्यू बन जाएगी जीरो, और जब कोस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करोगे तो आइडेंटिटी क्या बन जाती है बच्चों आपकी, वन। ये भी बच्चों आपका बहुत सिंपल कंसेप्ट था। अब जरा बच्चों आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आज जरा क्वेश्चन ये है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो मान लीजिए कि बच्चों ये आपकी इक्वेशन नंबर वन है और ये आपकी इक्वेशन नंबर टू है। सबसे पहली बात बच्चों जो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना बच्चों, अगर राइट हैंड साइड आपकी मैट्रिक्स की फॉर्म में है तो x और y की वैल्यू भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आएगी। तो बच्चों यहां पर भी सिंपल क्या करोगे बच्चों, आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। तो प्लस के y से नेगेटिव y कैंसिल हो गया, तो बच्चों x और x क्या बनेगा आपका, 2x। तो इन सबको ऐड करोगे बच्चों तो क्या बनेगी वैल्यू, 7 और 3। वही बात है बच्चों, करेस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करना है। तो 7 और 3 आपका 10 बनेगा, ये वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू 2 आ गई, ये वैल्यू 8 आ गई। अब यहां पर बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जो मल्टीप्लाई का 2 है बच्चों वो यहां पर आकर आपका डिवाइड में आ जाएगा, और जब बच्चों आप इसको डिवाइड करोगे 2 से तो मतलब कि सभी नंबरों को 2 से डिवाइड कर दो। जब सभी नंबर्स को जब आप 2 से डिवाइड करोगे बच्चों तो समथिंग कुछ ये वैल्यू आ गया, इट मींस मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू आपकी ये हुई। अब इस मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दो। सपोज करिए कि हम यहां पर इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। जो बच्चों आपकी यहां पर इक्वेशन नंबर 1 है वो है आपकी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7025। तो अगर बच्चों आपको यहां पर वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो 7025 में से आप एक्स को माइनस कर दो। तो बच्चों अभी आपने यहां पर एक्स की वैल्यू को फाइंड किया है, x की वैल्यू आपकी ये रही बच्चों, x की वैल्यू है आपकी 5014। तो जब आप इनको आपस में लेस करोगे बच्चों तो 7 में से 5 लेस करोगे 2 बचेगा, 0 में से 0 लेस करने पर ये बचेगा बच्चों समथिंग कुछ ही वैल्यू आती। तो बच्चों ये आपकी x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों आपका। अब जिस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है उसी तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे, क्योंकि देखो बच्चों ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान ली जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर क्या था, डिजिट सेम थी तो बच्चों सिंपल हमने काट दिया। तो आप पता है बच्चों आपको कि यहां पर पहले इन सभी नंबर्स के x के या y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा। सपोज करिए कि मुझे x को एलिमिनेट करना है, अगर मुझे यहां पे x को एलिमिनेट करना है तो बच्चों 3 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और बच्चों 2 से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे। x के कोएफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई की जाएगी और इसके कोएफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई की जाएगी। तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका 3 2 6x प्लस 3 3 9y, और 3 से जब इन चारों एलिमेंटों की मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों तो 3 2 6 3 3 9 3 4 12 और 0। और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 2 3 6x बनता है और 2 2 4y बनेगा, और बच्चों जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 -4 -2 और 10। बच्चों आप यहां पर साइन को चेंज कर दीजिए तो बच्चों ये नंबर तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखिए बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है तो 9 में से 4 लेस करोगे तो बच्चों क्या बनेगा आपका, 5y, और जब इनको लेस करोगे तो 6 -4 2, 9 -4 13,
12 माइनस माइनस 2 14 और 0 माइनस 10 क्या बनेगा बच्चों आपका माइनस 10। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आएगी, जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है 1 अपॉन 5, इसको बच्चों आप यहां पर शिफ्ट कर दीजिए समथिंग कुछ ऐसे, तो बच्चों आपका ये इसका आंसर। ये बच्चों आपकी मैट्रिक्स x की वैल्यू आ गई है। तो बच्चों इस मैट्रिक्स x की वैल्यू को y की वैल्यू को आप एक काम करिए इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। चलो हम एक काम करते हैं, यहां पर इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों आपकी 2x plus 3y is equal to 2340। अब आप एक काम करिए बच्चों, यहां पर आप मैट्रिक्स y की वैल्यू को पुट करिए, y की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी 1 अपॉन में 5 और बच्चों 213 14 माइनस 10 इक्वल में क्या बनेगा बच्चों आपका ये 2340। अब एक काम करिए बच्चों, आप मल्टीप्लाई करने के बाद इस वैल्यू को यहां शिफ्ट कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे बच्चों, वही आपका समथिंग जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। इसे आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो वही आपका आंसर होगा। ये कुछ बच्चों हमने आज 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी करे हैं, तो आप घर में बैठ के एक बार अपनी तरफ से इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, शायद वो इस चैप्टर का सबसे मेन कंसेप्ट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स।